तो आज हम इसके अंदर सीख रहे हैं कि किस तरह से हम कैश मेमो यानी कि बिल को कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर टोटल टैक्स डिस्काउंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर ये बिल किसी भी दुकान का हो सकता है, मतलब वो कोई क्रॉकरी की शॉप हो सकती है, सुपरमार्केट हो सकता है, मिठाई की दुकान हो सकती है, किरियाने की दुकान हो सकती है, दुकान शूज की हो सकती है, कारोबार किसी भी लेवल का हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हर कारोबार में एक स्टैंडर्ड बिल है, मतलब जो भी आइटम आप सेल कर रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे, उसका यूनिट प्राइस यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे अगर किरियाने की दुकान है तो 1 किलो आटे की कीमत यहाँ लिखेंगे और कितना किलो लिया है वो यहाँ लिखेंगे, 1 बोरी की कीमत यहाँ लिखेंगे और कितनी बोरी ली है वो यहाँ लिखेंगे, जूते की दुकान है तो 1 शूज यहाँ लिखेंगे, कितने लिए क्वांटिटी यहाँ लिखेंगे, और इस तरह सुपर मार्ट और ये तो सब चीज़ें अलग अलग आइटम्स ही होते हैं, तो उसकी यूनिट प्राइस यहाँ लिखेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे लिखेंगे, देन यहाँ पे क्लिक करके सम फंक्शन को लॉन्च करेंगे और यहाँ से यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो इनका प्रोडक्ट निकल आएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा। वंस यू गेट द गॉट द प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जैसे ही इसको फिर आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो लाइन बाय लाइन ये सारे आइटम्स का कैलकुलेट करके आपको दे देगा, और जैसे ही आपको दे देगा तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। इसके यहाँ पर आप एंटर करके कोई वैल्यूज को इस तरह से अपडेट करेंगे तो ये खुद ही उसको अपने आप को अपडेट करता रहेगा और ये ऐसे आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जाके आप क्लिक करेंगे टोटल के ऊपर, सम करेंगे, सम करने के बाद यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पर आपका खुद ही आ जाएगा, यहाँ पर हमने कलेक्शंस में टोटल लिए। अब ये जो टोटल अमाउंट आपके पास आया है वॉट एवर 20,400, ये कुछ भी हो सकता है, इस पर हमने टैक्स इम्पोज करना है। देखिए टैक्स और डिस्काउंट और कमीशन तीनों को अप्लाई करने का तरीका एक ही होता है, लेकिन टैक्स प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है, और कमीशन वेदर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम प्लस क्लिक करते हैं और टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सम करेंगे और जो भी टैक्स की वैल्यू है मतलब जो उसके सेल का रेफरेंस है वो देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट के साथ। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास टैक्स की वैल्यू निकल आएगी, मतलब 8%। व्हाट डज इट मीन के 20,000 का 8% ये अमाउंट बनेगा। ठीक है, सेम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे और इसको क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब डिस्काउंट डिस्काउंट किस पे लगेगा, पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करके हम सम करेंगे। सम करके एक तरीका तो ये है, हम क्लिक करें इसके ऊपर, प्लस फिर करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि टैक्स हमेशा अप्लाई प्लस होता है, एंटर करेंगे यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लिक करेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट, क्लिक करेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस अमाउंट के साथ जो टैक्स अमाउंट आपका लग कर आ रहा है, और जैसे इंटर करेंगे तो ये आपका डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया 440 रुपीज़। डिस्काउंट ऑलवेज माइनस होगा, क्लिक करेंगे, सम करेंगे, टैक्स अमाउंट में से माइनस करेंगे डिस्काउंट को और इंटर करेंगे तो ये आपका डिस्काउंटेड अमाउंट निकल आएगा। सही है, अब अगर आपको टैक्स ज़्यादा लग गया है तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ाएंगे, टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा। डिस्काउंट आपको कम करना है या बढ़ाना है, तो अगर आप बढ़ा रहे हैं तो 5% डिस्काउंट दे दें, नहीं दे रहे तो 0% डिस्काउंट कर दें, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आप वैल्यूज डालते जाएंगे ये कैलकुलेट होता चला जाएगा।